नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश। आज आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग का फॉर्म फिलअप करने के बारे में बताऊंगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नेट बैंकिंग लेने से पहले आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें मोबाइल नंबर अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। नेट बैंकिंग सेंट्रल बैंक का फ्री है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग का किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी, ब्रांच मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अपना ब्रांच लिख दें। मेरा हाजीपुर ब्रांच है तो हाजीपुर लिख देंगे। डेट डाल दें आज का। एप्लीकेंट नेम, सरनेम डाल दें, एड्रेस डाल दें, पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दें। पैन कार्ड का नंबर डाल दें अपना। मोबाइल नंबर डाल दें। अपना ईमेल आईडी डाल दें। माय अकाउंट डिटेल, आपके पास कौन सा अकाउंट है? सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, सीसी अकाउंट है, टर्म डिपॉजिट है, अदर है। तो मेरे पास सेविंग अकाउंट है तो हम सेविंग अकाउंट का नंबर डालेंगे। और ये अकाउंट ऑपरेट कैसे होता है? ज्वाइंट होता है, आइदर सर्वाइवर होता है या सिंगल होता है? तो मैं इसे सेल्फ सिंगल ही इसे ऑपरेट करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर सेल्फ लिख देंगे मोड ऑफ ऑपरेशन में। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड, तो यस कर देंगे। मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड, इसे भी यस कर देंगे। यस यस, ये डिक्लेरेशन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। और यहाँ पे डेट डाल देंगे। आपके पास यूजर आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो वो खुद से लिख लेंगे। मेरे पास है तो मैं लिख देता हूँ। एप्लीकेंट सिग्नेचर पे सिग्नेचर कर देंगे। ये उनके पास टाइम होगा तो उस समय रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अगर टाइम नहीं होगा तो 1 डे के अंदर ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन पासवर्ड बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो कमेंट्स कीजिए। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।